इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2024 में जो वैकेंसी आई हुई है उनको लेकर के। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइमर होंगे, या बहुत सारे लोग हैं जो सीजीएल में पहली बार अप्लाई कर रहे हो। सकता है कि आप एसएससी के दूसरे एग्जाम लिखते आए हो, सीएचएसएल, या फिर दूसरे एग्जाम लिखते आए हो और अभी आप फर्स्ट टाइम सीजीएल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप ये जरूर जानना चाहोगे कि जो ये टोटल वैकेंसी 17,727 वैकेंसी आई हुई है, ये किन किन डिपार्टमेंट में है। आपकी कैटेगरी वाइज जानना चाह रहे होगे कि मेरी कैटेगरी में कितनी है। साथ ही आप ये भी जानना चाह रहे होगे कि जो ये डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, आप सुनते होगे या फिर अदर किसी के थ्रू जाना होगा कि यार इनकी हमारे स्टेट में या स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, ये कैसे मालूम चलता है। तो वैकेंसी को लेकर सारा कुछ हम इस पर बात करेंगे। और अगली जो चीज़ है वो मेडिकल को लेकर के है। मेडिकल एक ऐसा चीज़ है, जैसे मैंने बताया आपको पीछे की वीडियोस में, कास्ट सर्टिफिकेट वाला, जिसको लेके बहुत सारे मैसेज अभी भी ऐसे पड़े जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और वो जो जितने भी डाउट आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपको पूरे एग्जाम टाइम में परेशान करता है, सेम वैसा ही डाउट मेडिकल को भी लेके रहता है। और उसी परेशानी के कारण आप अपने एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाते। तो मेडिकल टेस्ट पर भी बात करेंगे हम, किन किन चीज़ का टेस्ट करा जाता है मेडिकल टेस्ट में, और फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट रहती है सीजीएल के पोस्टों के लिए, क्या अभी जो फॉर्म आया है उसमें फॉर्म भरते वक्त मेडिकल का या फिजिकल रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत है या नहीं है, क्या उस बात को ध्यान में रखना है कि नहीं रखना है, उन सब चीज़ों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग भी कमेंट लिख रहे हैं सब्सक्राइब करके लिखिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा। अगर कोई अर्जेंसी है, कोई आप तुरंत रिप्लाई चाह रहे होगे, क्योंकि वहाँ पर अभी ट्रैफिक कम है। तो स्टार्टिंग से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। टोटल वैकेंसी सीजीएल 2024 के लिए 17,727 रिपोर्ट करी गई है। और अगर आपको ये जानना है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम चल पा रहा है कि ये वैकेंसी कहाँ से उनको मालूम चला, तो जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दे रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन में वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि टोटल टेंटेटिव वो वैकेंसी रहती है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि जो वैकेंसी आपकी ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। पीछे के ट्रेंड्स देखा जाए तो लगभग इसी के आसपास रहती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। अभी जो ये वैकेंसी अभी टीयर वन के पहले ही आ गया, अभी ये रिवाइज होता है। अभी डिपार्टमेंट से फिर से हर एक मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस से एसएससी मांगती है कि आपको कितने की ज़रूरत है स्टाफ की, फिर वो भेज दें। तो ये अपडेट होता रहता है, बीच में आपको 4 महीने बाद 5 महीने बाद अपडेट होगा। आपका जब पोस्ट प्रेफरेंस आएगा यानी कि टीयर टू के बाद, तब भी ये वैकेंसी रिवाइज होती है। लास्ट टाइम अगर हम पीछे के ट्रेंड्स देखें तो अभी वैकेंसी काफ़ी खाली हुई है, तो इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जहाँ आप देखते हो कि एसएससी की अगर आप दूसरे एग्जाम अगर रिसेंट में लिख रहे हो, 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे वैकेंसी, अभी जो सीएचएसएल का एग्जाम गया है 2023 वाला, उसमें 1200 के आसपास ही वैकेंसी थी आपकी। तो इतनी कम वैकेंसी एसएससी रिपोर्ट करते आया है अभी पीछे के सालों में, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इतनी ज़्यादा वैकेंसी पहली बार आई है क्या। तो अगर आप सीजीएल 2022 का वैकेंसी देखेंगे तो लगभग 37,000 के आसपास था। तो ये जो वैकेंसी आई है, फर्स्ट टाइम ऐसा वैकेंसी सीजीएल में नहीं देख रहा हूँ, अभी 2022 में ऐसी वैकेंसी आई थी। और अगर मैं बताऊं कि किस डिपार्टमेंट की ज़्यादा रहती है, अगर बल्क में वैकेंसी आती है, 2022 में एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, लेवल 4 की जॉब है, 2400 ग्रेड पे की, इसी की वैकेंसी ज़्यादा रहती है। 2022 वाले में भी लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसी थी, अब 2024 वाले में भी एक्सपेक्ट करके चलिए कि इसकी वैकेंसी ही सबसे ज़्यादा है। जब 20,000 वैकेंसी आई थी तो लगभग 50-60% कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं करा था। और ये पोस्ट ही ऐसे है कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो हाई क्वालिफाइड रहते हैं, वो दूसरे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम रहता है कि इसमें लोकेशन जो आती है चेन्नई, केरल, मुंबई, ऐसे लोकेशंस पे कैंडिडेट प्रेफर नहीं करते, मैक्सिमम कैंडिडेट नॉर्थ के होते हैं। तो ये वैकेंसी खाली रह जाती है, वही पूरा कॉन्सोलिडेट करके आपका रिपोर्ट करा जा रहा है 2024 के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो 17,000 वैकेंसी है किस किस डिपार्टमेंट में है और कितनी कितनी है कैटेगरी वाइज, वो कैसे मालूम चलेगा। तो इस बार सीजीएल 2024 में किन किन डिपार्टमेंट ने वैकेंसी भेजी है, किस किस मिनिस्ट्री के अंदर वैकेंसी है, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि इंस्पेक्टर एक्साइज के अंदर, सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर, एएसओ इन सीएसएस, ऑडिटर सीएजी, ऑडिटर सीजीडीए, ऐसे आपको पूरी चार्ट मिल जाएगी, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 4 की जॉब। तो इसका ये चार्ट है, इसका ये मतलब है कि इन इन डिपार्टमेंट ने एसएससी को वैकेंसी रिपोर्ट करी है या इन इन डिपार्टमेंट से वैकेंसी आने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो डिपार्टमेंट है, क्या ये हर बार यही डिपार्टमेंट रहते हैं। तो अगर पीछे के साल देखेंगे तो इस बार
WAO की वैकेंसी नहीं आई, यानी कि CAG के अंदर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी आती है, जो कि इस बार नहीं आई है। लेवल 8 की जॉब है, उसके लिए एक अलग से पेपर हुआ करता था। क्या कारण है क्यों WAO की वैकेंसी नहीं आई है और क्या ये आगे अब नहीं आएगी, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। अभी के लिए मैं आपको बस ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि WAO की वैकेंसी अब आगे नहीं देखोगे। कोर्ट केस हुआ था, क्या कोर्ट केस का ऑर्डर रहा है, क्यों कोर्ट केस हुआ था और क्यों कोर्ट ने डायरेक्ट आपका रिक्रूट करने से मना करा है WAO का, वो भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में कर दूंगा। चैनल को जरूर फॉलो करके रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ये डिपार्टमेंट्स हैं आपकी, इनमें कितनी वैकेंसी है, कैसे मालूम चलेगा? तो उसके लिए आपको SSC की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसमें कैंडिडेट कॉर्नर रहता है आपका, वहां पर सबसे नीचे जाएंगे तो टेंटेटिव वैकेंसी की लिस्ट मिलेगी आपको। हर एग्जाम के लिए रहता है CGL CHSL। अगर आप अभी CGL के लिए देख रहे हैं, अभी आपको वहां पर 2023 का मिलेगा। अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी नहीं देखी है तो आप एक सैंपल के रूप में वो देख सकते हैं। यहीं पर आपको अपलोड किया जाएगा 2024 का, यही टैब है, वहां पर आप चाहो तो टाइम पर देखते रहिए। बाकी जैसे ही वो अपलोड होगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे सोर्स हैं सोशल मीडिया पे, तुरंत अपलोड हो जाता है, आपको मालूम चल जाएगा कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है। अब अगर मान लेते हैं कि आपने देख लिया कि GST इंस्पेक्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है GST को लेकर के, बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है टैक्स असिस्टेंट इन CBDT, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं उनकी ये टॉप प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि ये जो पोस्ट है वही उनको होम पोस्टिंग दिला पाती है, बाकी अदर लोग अपना अलग अलग सोच रहे होते हैं। तो अगर आपको स्टेट वाइज जानना होता है कि हमारे स्टेट में वैकेंसी है कि नहीं है या कहाँ कहाँ पर सीट है, तो उसके लिए आपको उस डिपार्टमेंट में RTI फाइल करना होता है। अब ये सब काम एक नॉर्मल कैंडिडेट जो एग्ज़ाम लिख रहा है वो एग्ज़ाम लिखे कि ये सब करता फिरे, तो वो आपको नहीं करना होता, उसके लिए अलग अलग लोग करते हैं। जैसे मेरी एक बुक आती है जो गोल्डन बुक, अभी आप Tier 1 Tier 2 जब दे लोगे, Tier 2 के बाद वो आपको बुक मिल जाती है जिसमें स्टेट वाइज हर डिपार्टमेंट का लिखा रहता है। उसके साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है पोस्ट भरने के लिए, क्योंकि जो मेन जरूरी चीज़ है वो आपके लिए नंबर है। जब तक आपका नंबर नहीं आएगा तब तक आप यहाँ तक बात नहीं पहुँचोगे। लेकिन होता ये है कि प्रिपरेशन के दौरान आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आपका दिमाग दौड़ता है कि CBI में कितनी वैकेंसी आई है कि नहीं आई है, GST इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव में चला जाऊँ, एग्जामिनर, ये कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर हवाबाजी देख लेते हो और आप इनके पीछे दिन भर सर्च करते रहते हो। इसीलिए मुझे ये वीडियो अपलोड करना भी पड़ रहा है ताकि आप जान के रखो कि किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अभी आप Tier 2 के बाद जब जाओगे उसके बाद आपको ये स्टेट वाइज वैकेंसी किस में प्रेफरेंस पूछते नहीं पूछते उन सब के बारे में आपको जरूरत पड़ेगी, जो मेरी बुक एक आएगी जो पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर मैक्सिमम लोगों के पास अभी पीछे CGL 2019 CHSL 2019 वहाँ से ये बुक आ रही है, आपको वो मिल जाएगी। और अगली चीज़ ये भी जानना आपको कि जब आपको स्टेट वाइज वैकेंसी मालूम चल भी जाती है उसमें ये भी चीज़ जानना पड़ता है आपको कि जैसे आप GST के सपने देख रहे हो या आप बहुत सारे लोग नारकोटिक्स के सपने देख रहे हो, तो क्या अगर आप वो डिपार्टमेंट लेते हैं, अगर वैकेंसी आपको मालूम चल जाती है कि अगर आप राजस्थान से हो, अगर आपको राजस्थान में वैकेंसी RTI में मालूम चल जाता है, तो ये भी जानना जरूरी रहता है कि क्या वो डिपार्टमेंट आपको लोकेशन के लिए प्रेफरेंस आपसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा। ये सब चीज़ें रहती हैं, जब Tier 2 क्लियर कर लोगे, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि बहुत ज़्यादा टाइम इधर इन्वेस्ट ना करिएगा इन पोस्ट वोस्ट के चक्कर में, उस टाइम पर आपको ये सारी डिटेल मालूम चल जाएगी Tier 2 के बाद। ये जो स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ ये आपको ये भी जानना जरूरी रहता है कि किस में प्रेफरेंस मांगी जाती है नहीं, तो वो जो स्टेट वाइज है उसके लिए RTI के थ्रू मालूम करना पड़ता है आपको और वो मैक्सिमम डिपार्टमेंट का आपको अवेलेबल हो जाएगा। बात करते हैं कि किन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो अभी जो वैकेंसी अगर आप हाई ग्रेड पे की देख रहे हो लेवल 7 की, तो ASO इन CSS, GST इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर की सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद आप ASO इन CSS देखोगे। लेवल 5 की अगर हम बात करें, लेवल 6 की अगर हम बात कर लें, तो ज़्यादा वैकेंसी आपको नहीं दिखती जितना लेवल 5 में दिखती है। ऑडिटर इन CAG, ऑडिटर इन CGT, दोनों में दिखेगी। लेवल 4 के अंदर आपको टैक्स असिस्टेंट, दोनों टैक्स असिस्टेंट, दोनों का मतलब है CBDT और CBIC, इनकम टैक्स में भी और GST में भी, दोनों में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है। और जो सबसे इन सब में सबसे बल्क में वैकेंसी आएगी वो पोस्टल डिपार्टमेंट की आएगी, 10,000 या उसी के अप्रॉक्स, मेरे जहाँ तक आइडिया है कि इसी के अप्रॉक्स रहेगी। और उसका रीज़न यही है कि जो पीछे की वैकेंसी आई थी उसमें मैक्सिमम लोगों ने डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करा है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल रिक्वायरमेंट और फिजिकल रिक्वायरमेंट को लेकर के। देखिए अभी फॉर्म चल रहा है आपका, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या मेडिकल और फिजिकल की अभी कोई ज़रूरत है क्या, अगर आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत है या आप अगर इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हो तो। देखिए अभी आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आप PWD कैंडिडेट को बिलोंग नहीं कर, कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहे तो मैटर सेपरेट है, उसको आप अलग कर दीजिए। अगर आप PWD है देन आप अप्लाई करेंगे PWD से। लेकिन इसके अलावा अगर आपको आँखों की दिक्कत है, चश्मे का सबसे ज़्यादा सवाल रहता है कैंडिडेट का, उसके साथ कॉमन बीमारी जैसे कि TB हो गया, स्टोन की सर्जरी हो गई, किसी की रॉड पड़ी हुई है, किसी का कोई पार्ट मुड़ा हुआ है, उंगली मुड़ी हुई है, इन सब, किसी का हाइट का रहता है, चेस्ट का रहता है,
ये कुछ हल्के फुल्के डिफेक्ट रहते हैं उसको लेके आप परेशान रहते हो कि क्या कहीं हमें बाहर तो नहीं कर देंगे, क्या हम एलिजिबल भी है कि नहीं, क्योंकि हमारी 5-6 महीने की इधर मेहनत लग रही है, क्या हम अगर मेहनत करें तो ऐसा तो नहीं हुआ कि हम बाहर कर दी जाएंगे। सबसे पहला जो जरूरी चीज़ आपको जानना है कि आप अभी फॉर्म भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आप अप्लाई करिए, Tier 1 और Tier 2 के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर भी मेडिकल या फिजिकल टेस्ट आपका इन एग्जाम्स में नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस तक पहुँचते हैं तो कहाँ दिक्कत आती है आपको, किन किन चीज़ों में। इसमें सबसे पहली जो दिक्कत, जो मेजर दिक्कत है, वो है कलर ब्लाइंडनेस को लेके। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप अभी आप परेशान मत हो जाना कि कलर ब्लाइंड मैंने बोल दिया तो आप कल से ही पैनिक हो जाए। अगर आप कलर ब्लाइंड होते हैं तो SSC की कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो आप नहीं भर सकते। कौन सी नहीं भर सकते? जब वैकेंसी चार्ट आएगा उसमें एक कॉलम रहता है कि क्या ये पोस्ट सुटेबल है कि नहीं, वहाँ यस या नो लिखा रहता है। यस है यानी कि आप वो भर सकते हैं, नो है तो आप नहीं भर सकते। लेकिन इतनी पोस्टें रहती हैं कि आप अगर कलर ब्लाइंड भी हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहली दिक्कत रहती है कलर ब्लाइंडनेस को लेके। कलर ब्लाइंड हो आप नहीं हो, बीच में कभी आप टाइम मिले तो आप देख सकते हो कि कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कैसे करा जाता है। आँखों के लिए ये रहता है आपका, आप चाहो तो किसी चश्मे वाले दुकान पे जाकर भी चेक करवा सकते हो। अगली जो चीज़ है वो इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है। इंस्पेक्टर सभी में नहीं, अगर हम बात करें तो आप एक बार इसको डिस्प्ले पे भी देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इंस्पेक्टर ऑफ GST की, अगर हम बात करें तो CBI की बात करें, NIA की बात करें, हम नार्कोटिक्स की बात करें, NCB की, तो इनमें आपका हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। GST इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो चेस्ट की भी रिक्वायरमेंट रहती है एक्सपेंशन का। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है हाइट का या उसमें, तो ये अभी आपका दिक्कत नहीं आएगा जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना रहेगा। अगर आपकी हाइट 165 नहीं है या आपका चेस्ट एक्सपेंशन उतना नहीं है, तब आप उन पोस्टों को नहीं डालेंगे या फिर आप उन पोस्टों को बॉटम पे रख सकते हैं। अभी आपको उसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आई साइट को लेके। देखो हाइट और चेस्ट इनके लिए आप परेशान ना होइएगा। साइकिलिंग की अगर हम बात करें, साइकिलिंग को भी लेके परेशान ना होइएगा। GST में जो साइकिलिंग है बहुत ज़्यादा ऑप्शनल रहता है, बहुत ज़्यादा लीनियंट डिपार्टमेंट है आपका, कोई ऐसी दिक्कत आपका नहीं अटकेगा। बात करते हैं आई साइट को लेकर के। अगर आपका चश्मा कितने का भी है, -7, -8, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मेरा बहुत हैवी पावर लगा है, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी पोस्टें हैं CGL की, आप सभी के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो CBI हो, चाहे NIA हो और चाहे बाकी अदर ESO की ही पोस्ट क्यों ना हो, अगर चश्मा लगा के आपका करेक्ट विजन आ रहा है तो। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि TB का रहता है बहुत ज़्यादा कि सर मेरे को TB हुआ था कभी, मेरी स्टोन की सर्जरी हुई है, कहीं बॉडी में सर्जरी हुआ है, कहीं रॉड पड़ा हुआ है, कहीं कटपिट हुआ है, क्या उससे दिक्कत आएगी? ये जितनी भी दिक्कतें आपकी हैं सर्जरी से रिलेटेड या कोई ये जो कॉमन बीमारियाँ हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आता आपका। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करिए। जो मेडिकल टेस्ट होता है, अगर हम एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ दें, जैसे कि हम CBI और NIA को छोड़ दें, बाकी सभी में आपका लेनियंट है। मैक्सिमम आपका जो होता है वो गवर्नमेंट अस्पताल में होता है, जो आपका जिला अस्पताल होता है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट का वहीं होता है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको मेडिकल को लेकर। आप कोई भी नेगेटिविटी पाल के एग्जाम को अपना खराब मत करिए, फोकस करिए Tier 2 में अच्छे नंबर लाएं ताकि हम वहां तक चीज़ों को कर पाएं और वहां पर मैं आपको एक अच्छा पोस्ट सजेस्ट कर पाऊं। और आपका जो मेन अल्टीमेट गोल है एक अच्छी पोस्ट लेने का, आप वो ले पाओ और जो आपकी मेहनत है वो सही डायरेक्शन में जाए। बाकी और भी कोई डाउट है आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कोई और चीज़ आपको जानना होगा और टॉपिक के बारे में आप YouTube कमेंट में लिखिएगा। इसी तरह के डाउट के लिए आप मुझे ट्विटर पे मैसेज करके छोड़ दीजिएगा।